सब, so हम में से ज्यादातर लोगों को क्लीनिंग करने में ज़्यादा मजा नहीं आता है बट एवरी वन लव्स द फीलिंग ऑफ कमिंग होम टू अन हाउस हम सोचते हैं कि जब हम क्लीनिंग करने बैठेंगे तो कितने घंटे जाएंगे हमारे और उफ़ हम तो थक ही जाएंगे पर मुझे अपना घर क्लीन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ऑलमोस्ट घर का कोना कोना एकदम क्लीन रहता है हाँ घर में बच्चा है थोड़ा बहुत तो बिखरता ही है घर और घर घर है कोई होटल थोड़ी है जो एकदम साफ रहेगा घर में लोग होते हैं चहल पहल होती है तो थोड़ा तो बिखरता ही है पर अगर कोई अचानक से मेरे घर आ जाए कोई गेस्ट आ जाए तो उसको मेरे घर एकदम क्लीन मिलेगा सो व्हाट्स द सीक्रेट टू कीपिंग थिंग्स क्लीन मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में कुछ हैबिट्स जिन्हें अगर आप अपने रूटीन में अपना लेते हैं रोज़ाना फॉलो करेंगे तो आपका घर भी एकदम क्लीन रहेगा और आप एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे मेरी तरह जब भी आपके घर में कोई अचानक से गेस्ट आ जाएगा तो हम किचन से ही स्टार्ट करते हैं एज वी ऑल नो दैट द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम आपने कभी सोचा है कि एक घर में बहुत सारे बेडरूम्स होते हैं वॉशरूम्स होते हैं पर किचन एक ही होता है दिस इज़ वाई किचन इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द होम और हमारा दिन का ज़्यादा टाइम किचन में ही चाहता है उसमें इतनी सारी कुकिंग होती है और जब इतनी सारी कुकिंग होती है किचन भी सबसे ज़्यादा ही मैसी होता है घर का ये एक हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मैसी होता है पर ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर कर इसे टाइड एंड क्लीन रख सकते हैं तो जब भी आप कभी रोटी बनाएँ चकले में बनाते हैं तो उसके नीचे चकले के नीचे कोई टावल या न्यूज़पेपर रख लें और तभी रोटी बेलें, फिर इससे जो सूखा आटा होता है वो आपका काउंटर टॉप पर नहीं गिरेगा और उसको क्लीन करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और काउंटर टॉप भी आपका नीट एंड टाइडी रहेगा एकदम और जब भी आपका किचन में कोई काम ख़त्म होता है तो उसके बाद ही इमीडिएटली जो भी चीज़ें निकली होती हैं उनको उनकी जगह पर रख दें जो वॉश होने वाली चीज़ें उन्हें वॉश करके रख दें और जो रखने वाली चीज़ें उन्हें रखे रख रख दें उसी जगह पर मैं चकलर रख दूंगी उसको मैंने ऊपर से भी क्लीन कर दिया नीचे से भी क्लीन कर दिया है और ये बेलन तो मैं वॉश ही कर लेती हूँ और जिसमें मैंने सूखा आटा लिया था वो प्लेट भी मैं वॉश करके ही रख दूँगी फिर इससे यह है कि मेरा जो किचन है वो फैला नहीं रहेगा क्लटर्ड नहीं रहेगा हैंड टू हैंड चीज़ें क्लीन करते रहो तो हमारा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन ही लगता है और ये एक टिप मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पील करते हैं तो उनके जो ये छिलके हैं उनको डायरेक्टली काउंटर टॉप में ना रखें उससे वो गंदा होता है सारी डर्ट इकट्ठी होती है वहाँ पर कोई प्लेट ले लें कोई भी आपकी ऐसी प्लेट है जो आप यूज़ ना करते हैं उसको रख लें इन छिलकों को रखने के लिए या फिर चॉपिंग बोर्ड पर रखें उनके छिलके तो इस तरह से आपका किचन क्लीन रहेगा और ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जिन्हें आप डेली अपनाएंगे ना तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये छोटी छोटी सी हैबिट्स किचन को मैसी होने से बचाती हैं और जो हमारा क्लीनिंग में बहुत सारा टाइम जाता है उसे भी सेव करती हैं और जो छिलके होते हैं जो भी हमने पील होते हैं उसको भी हैंड टू हैंड आप डस्टबिन में डा, डाल दें और मैंने चाहे कोई सा भी मील प्रिपेयर क्यों ना किया हो चाहे ब्रेकफास्ट हो लंच हो या डिनर हो आफ्टर एवरी कुकिंग आई ऑलवेज क्लीन माई काउंटर टॉप मैं जो भी थोड़ा बहुत पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं उनको वाइप ऑफ कर देती हूँ काउंटर टॉप पर से इससे किचन जो है हमेशा टाइड ही रहता है और मैसी नहीं होता है बच्चों के साथ हमारा बेड एकदम सेट रहे बेडशीट बिल्कुल भी ना हिले ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है होना पर अगर आप फिटेड बेडशीट्स यूज़ करेंगे तो आपका जो बेड है बच्चे उस पर कितना भी जंप कर लें आपकी जो बेडशीट है एकदम फिट रहेगी मैं ये फ़िटेड बेडशीट्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरा बेबी अभी टू एंड हाफ़ इयर्स ओल्ड है और वो इस पर इतनी जंप करती है इतना जंप करती है लेकिन बेडशीट हिलती नहीं है और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि बेडशीट के मेट्रस के ऊपर मेट्रस कवर ज़रूर बिछाएँ उससे भी बेड एकदम स्टिल रहती है और जो पिलोज़ होते हैं ना उन पर जैसे अगर हम डायरेक्टली बेडशीट वाला कवर चढ़ा देते हैं तो वो जल्दी गंदे हो जाते हैं तो मैं इस पर डबल कवर चढ़ाती हूँ ये जो डार्क ब्लू कलर का पिलो कवर है ये हमारा काफ़ी पुराना हो गया ऐसे हम यूज़ नहीं करते अब तो मैंने इसको पिलो का कवर बना रखा है ऐसे करने से जो हमारा पिलो है वो गंदा नहीं होता आपने देखा होगा कई बार जो ऑयल वगैरह होता है वो पिलो तक पहुंच जाता है और फिर वो पीला पीला येलो कलर का हो जाता है जो हमारा वाइट पिलो होता है तो अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं एक कवर ऐसे चढ़ा देती हूँ और फिर उसके बाद मेन बेडशीट का जो पिलो कवर होता है वो चढ़ाती हूँ और बच्चों hmm. वाले घर में आपको तो पता ही है टॉयज़ कैसे बिखरे रहते हैं इधर उधर तो मैंने एक, एक, एक बॉक्स बना रखा है कार्टन था उसका मैंने बना दिया और इसमें ही मैं जो भी टॉयज देखती हूँ मेरा आपके इधर उधर पड़े हुए सीधे इसमें ला डाल देती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है नेवर अ रूम एम्प्टी हैंडेड जब भी आप किसी रूम में बैठे हों और फिर वहाँ से उठ के जाने लगें तो एक बार अपनी नज़र पूरे रूम में घुमा लें कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो उस रूम को बिलोंग नहीं करती जैसे कि कोई एम्प्टी कप हो या कोई टॉय हो या कोई भी आपका मेकअप का प्रोडक्ट हो कुछ भी हो और आपको बिल्कुल ज़रा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को उठाकर बाहर जाने में और उसको उसकी सही जगह पर रखने में तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर मैं इनको ऐसे ही रखकर रहने दूंगी तो इसके एक के बाद एक चीज़ इकट्ठी चली होती चली जाएगी और जो रूम है वो एकदम भर जाएगा क्लोडड हो जाएगा तो आप कहीं पर भी बैठे हों आप बेडरूम में हों या लिविंग एरिया में हो आप अपना काम ख़त्म कर कर जो भी आप काम कर रहे हो उसके बाद आप उठ कर जब भी जाएँ तो वो चीज़ उठा कर लेकर जाएँ वहाँ से और उसको उसकी जो डेजिग्नेटेड एरिया है उसका जो भी है आप वहाँ पर उस चीज़ को रखें आप जैसे मैंने यहाँ पर टेबल पर इतना सामान रखा हुआ है तो इसको मैं लेकर जाऊंगी और उसकी सही जगह पर रख दूंगी अगर मैं यहीं पर सारा सामान इकट्ठा होते रहूँ दे दूंगी तो पूरा दिन बाकी है अभी पूरी टेबल भर जाएगी रात होते होते तक आप कभी भी ये मत सोचें कि जो मेजर टास्क हैं वो आपको डीप क्लीनिंग वाले दिन ही कर रहे हैं अगर आप डेली करते रहेंगे मैंने एक वीडियो बनाई थी डेली फाइव मिनट रूल अगर आप उसे देखेंगे तो मैंने उसमें बताया है कि आप दिन एक रूम में पाँच मिनट दीजिए कोई से भी कोने को जो हम कभी कभी काम करते हैं अभी ये जो कॉर्नर था इसको मैं कभी ही क्लीन करती हूँ तो आज मैंने इसे चूज़ किया है कि आज मैं इसे क्लीन कर दूंगी अगर मैं इसको कॉर्नर को क्लीन नहीं करूँगी ना तो यहाँ पे डस्ट इकट्ठी होती रहेगी और स्पाइडर वेब्स लग जाएंगे और फिर जब महीने बाद में इसको क्लीन करने बैठूंगी तो अच्छी खासी यहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो चुकी होगी तो डीप क्लीनिंग आने का मौका ही मत दीजिए छोट थोड़े थोड़े टाइम के लिए सारी चीज़ें करते रहिए सारी चीज़ें आपकी क्लीन रहेंगी जैसे फ्रिज के अंदर आप जब भी देखें कि कुछ चीज़ गिर गई है उसको उसी टाइम आप क्लीन कर दें ये ना सोचें कि जब फ्रिज की डीप क्लीनिंग करेंगे तभी करेंगे हम अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसी माइक्रोवेव के हैंडल्स फ्रिज के हैंडल्स कबर्ड के हैंडल्स इन सब पे कुकिंग के टाइम पर हमारे हाथ लगते रहते हैं और ये गंदे होते रहते हैं तो इनको भी हम डेली क्लीनिंग करते रहेंगे इनकी तो हर कुकिंग के बाद क्लीनिंग कर देंगे तो गंदे ही नहीं होंगे ऐसे ही जो कंटेनर्स होते हैं इन पर भी जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ लग जाते हैं खाना बनाते टाइम और ये भी गंदे हो जाते हैं ये मसाले वाले कंटेनर्स तो हमेशा क्लीन करने के बाद ही कैबिनेट के अंदर रखिए इससे आपके कंटेनर्स भी क्लीन रहेंगे और कैबिनेट भी क्लीन रहेगी नहीं तो अगर गंदे डब्बे रख दो ना उसके अंदर तो कैबिनेट में भी ये सारी चीज़ें टच होती हैं और फिर कैबिनेट भी हमारी हो जाती है और फिर जब हम डीप क्लीनिंग करने बैठते हैं तो बहुत सारी सफाई करते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है इन सभी हैबिट्स को अगर हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे ना तो हमारा घर हमेशा नीट एंड टाइडी रहेगा जो भी आपके क्लॉज में एक्स्ट्रा कपड़े हों या किचन के अंदर एक्स्ट्रा सामान हो प्लीज़ आप डी क्लटर टाइम के साथ कर देना है आप डी क्लटरिंग करेंगे तो आ, आ, एक्स्ट्रा कबाड़ इकट्ठा एक नहीं होगा फालतू के कपड़े आपके क्लाज में इकट्ठे नहीं होंगे अगर क्लाज भरती चली जाती है कबर्स भरती चली जाती है और जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो बाहर बिखरे रहते हैं तो आप आप रेगुलरली डोनेट कर दें ये चीज़ें किसी और के काम आ जाएंगी कोई इनको किसी को इसकी ज़रूरत होगी उनके बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगी तो आप किचन की चीज़ें और घर में जो भी फालतू का सामान हो आप उसे डोनेट कर दें इससे पहले कि वो आपका घर पूरा क्लटर्ड कर दे मैं डेली नाइट क्लीनिंग रूटीन भी जरूर फॉलो करती हूं एक अच्छी सुबह के लिए सुबह उठो और घर आपको साफ साफ लगे तो कितना दिल खुश होता है मैं ये नहीं कह रही कि रात में पूरी क्लीनिंग करने बैठ जाएं झाड़ू पछा ये सब लगाएं बस कुछ चीज़ें समेट दें जैसे डाइनिंग टेबल पे से मैंने कुछ सामान रखा था मेरा आपने खाया पिया था यहाँ पे बैठ के और बस वही समेट रही हूँ उससे देखिए डाइनिंग टेबल कुछ सामान हटाने से ही सिमट गई और थोड़ी बहुत जो यहाँ पर खाना पड़ा हुआ है छोटा छोटा उसका वो हटा झाड़ दूँगी मैं तो डाइनिंग टेबल एकदम साफ हो जाएगी और जो इसके टॉयज़ होते हैं यहाँ पर बिखरे हुए थोड़े बहुत ये भी मैं समेट देती हूँ हालांकि अगर वो आ जाती है तो मुझे समेटने नहीं देती है अगर वो देख लेती है मुझे तो मैं चुपके से समेटती हूँ और जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था ना मैंने अलग से बना रखा है उसका इन्हीं बिखरे हुए टॉयज़ के लिए उसके अंदर सीधा मैं जाकर डाल देती हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाता है कि इसके सारे टॉयज इसके अंदर डाल दें और रात को सोने से पहले ना ये शूज़ भी आप समेट दें एक जगह सही से करके रख दें हम अपने शूज़ यहीं रखते हैं डेली के जो भी हम बाहर पहन के जागते हैं अगर आप शू रैक यूज़ करते हैं तो आप उसमें रख दें मैं इसमें रख देती हूँ ये हमारे डेली के ही शूज़ हैं डेली यूज़ होते हैं इसके अलावा मैं सोफ़ा लिविंग एरिया भी थोड़ा ठीक कर देती हूँ यहाँ पर हम बैठते हैं मैं सोफ़े पे कवर भी चढ़ा देती हूँ शाम के टाइम यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा रहती है लिविंग एरिया में तो सोफ़ा गंदा करती है कवर से हमारा सोफ़ा थोड़ा सा ही रहता है सेफ़ है आ, तो यही ब्लैंकेट वग़ैरह ओढ़ के वो लेट जाती है टी देखती है पैसीफायर ले लेट जाती है कभी कभी और ये पे बैठ के वो खाती पीती है तो ये सब चीज़ें समेटने में इट हार्डली टेक्स भी मैंने ज़्यादा बोल दिया थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है और ये है कि घर जो है आपको एकदम टाइडरी टाइरी सा लगता है और टेबल भी थोड़ी सी मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इस पर भी थोड़ा बहुत कूड़ा आ जाता है वो खाती पीती है खेलती है पूरा टाइम यहाँ पे और किचन क्लीनिंग रूटीन नाइट टाइम ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कभी भी जो बर्तन है उनको हैंड टू हैंड क्लीन कर दीजिए डिनर के बाद रखिए मत के कल सुबह कर लेंगे इससे आपका किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी लगता है और जो कीड़े वगैरह होते कॉकरोचेस वगैरह उनके भी आने के चांसेस रहते हैं किचन में स्मेल आती है इन झूठे बर्तनों से और अच्छा भी नहीं होता झूठे बर्तन रात को छोड़ सोना तो उनको क्लीन कर कर सोइए हमेशा मैं भी हमेशा इनको क्लीन कर कर ही सोती हूँ अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो सारे झूठे बर्तन उसके अंदर रखें जो कि आप सुबह उठेंगे तो आपको एकदम अपने सारे बर्तन क्लीन मिलेंगे और सुबह उठकर उनको अपने कैबिनेट्स के अंदर रख दीजिए मैं भी इनको यहाँ पर वॉश करके रख देती हूँ ये यह यहाँ पर रखे रखे सूख जाते हैं फिर उसके बाद सबसे पहला मेरा काम भी किचन में आकर यही होता है सुबह उठ कि मैं इनको सारे बर्तनों को उनकी कैबिनेट्स के अंदर रख दूँ और वैसे भी बर्तनों से भरा हुआ किचन कहाँ अच्छा लगता है अगर आपका किचन पूरा क्लीन है ना और सिंक में बर्तन भरे हुए हैं तो मज़ा नहीं आता किचन का गंदा ही लगता है वो तो बर्तन वॉश होने ज़रूरी हैं और मैं तो आफ्टर एवरी मील कोशिश करती हूँ कि किचन मेरा किचन में, में मेरे बर्तन ना हो इवन मुझे अगर एक स्पून भी सिंक के अंदर दिखता है ना गंदा तो मैं उसको भी हैंड टू हैंड वॉश करके रखती हूँ तो ये सारे बर्तन में वॉश करने के बाद जो सिंक होता है वो भी मैं क्लीन कर देती हूँ हालाँकि मैंने लंच के टाइम पर भी किया होता है क्योंकि लंच में भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन वगैरह हो जाते हैं प्रॉपर लंच बनता है तो तो मैं दो टाइम सिंक क्लीन कर देती हूँ एक बार लंच के टाइम पे कर देती हूँ और एक बार डिनर के टाइम पे कर देती पर सिंक क्लीन और सिंक क्लीन करना भी बहुत जरूरी है एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए इसके अंदर हमारे बर्तन वगैरह वॉश होते हैं जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं खाना बनाते हैं तो इसलिए सिंक भी वॉश होना जरूरी है और अभी कुछ ऐसे बर्तन हैं जो अभी क्लीन नहीं हो सकते क्योंकि इनमें खाना जो है ना वो जम गया है तो मैं इसमें बिल्कुल गर्मा गर्म पानी डाल रही हूँ जो कि खाना जो है थोड़ा लूज हो जाएगा सुबह तक और इनको मैं सुबह वॉश कर दूँगी और अगर मुझे इमीजिएटली वॉश करने होते हैं तो मैं इनको गरम पानी करके थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद फिर वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ये कुकटॉप भी क्लीन कर लेती हूँ जिसके कुकटॉप के ऊपर वाले टाइल्स होते हैं उन्हें भी क्लीन कर देती हूँ और सबसे लास्ट मेरा काम होता है जितना भी लेफ्ट वो फूड होता है उसे फ्रिज के अंदर रखना तो बस यही मेरी कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जिन्हें फॉलो कर कर मैं अपना घर एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ मुझे खुद को अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा मुझे किचन को क्लीन करने में अच्छा लगता है क्योंकि किचन में मैं अपना दिन का बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ इतनी सारी कुकिंग करती हूँ किचन क्लीन होता है तो मुझे कुकिंग में भी मज़ा आता है तो किचन क्लीनिंग नंबर वन है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बाकी घर भी अच्छा लगता है क्लीन हो तो पर एज आई टोल्ड यू किचन इज़ दी हार्ट ऑफ दी होम तो आप सब भी यही सारी हैबिट्स अपने रूटीन में लेकर आइए फिर देखिए आपका घर भी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम बाय